Hi everyone, I hope you all are fine. And my today's cue card is describe a time you visited a new place. एक ऐसे टाइम को एक्सप्लेन करना जब आपने किसी न्यू प्लेस में विजिट किया हो. एंड यू शुड से वेयर द न्यू प्लेस इज, वो प्लेस न्यू प्लेस कहाँ पर है. एंड वैन यू वेंट देयर, और आप वहाँ पर कब गए. एंड वाई यू वेंट देर, और आप वहाँ पर क्यों गए. एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट द प्लेस, और एक्सप्लेन करना है आपको प्लेस के बारे में कैसा फील हुआ, मतलब आपने कैसा फील किया. एंड सो द सैम्पल आंसर इज़ आई लाइक टू विजिट टू न्यूमरस प्लेसेस, मुझे अच्छा लगता है काफ़ी ज़्यादा जगहों पर जाना. बिकॉज़ आई एम अ ट्रैवल फ्रीक, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है. इट नॉट ओनली गिव्स मी एंटरटेनमेंट, ये तो ना सिर्फ मुझको एंटरटेनमेंट देता है बट ऑल्सो ब्रॉडन्स माई माइंड, विच मीन्स टू इंक्रीज़ द रेंज ऑफ वन्स नॉलेज, क्योंकि ये मेरी नॉलेज भी बढ़ाता है. ना तो सिर्फ एंटरटेनमेंट देता है मगर इसके साथ मेरी नॉलेज भी बढ़ाता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, विजिटिंग टू अ न्यू प्लेस गिव्स मी रिलीफ फ्रॉम मोनोटोनस एंड हैक्टिक स्केड्यूल. वन सच अनफॉरगेटेबल मोमेंट फॉर मी इज़ दैट वन आई वंस विजिटेड टू ताजमहल. ओके, इसके अलावा विजिटिंग, जब मैं किसी न्यू प्लेस में विजिट करता हूँ तो मुझको वो रिलीफ देता है किससे, एक मेरी जो रेपिटेशन वाली डेली रूटीन में डल सी लाइफ है उससे, और जो मेरा बिजी स्केड्यूल है उससे मुझको रिलीफ देता है. और इसके अलावा एक ऐसा ही मोमेंट जो कि मेरे लिए भूलना काफ़ी मुश्किल है, इज़ दैट वो कौन सा है, वन आई वॉन्स विजिटर, जब मैं एक बार विजिट किया मैंने ताजमहल में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मतलब टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है वो प्लेस इंडिया में. इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना, ये यमुना रिवर के बैंक पर है. एंड इन उत्तर प्रदेश, और ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, यमुना नदी के किनारे पर, विच इज़ ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई होम टाउन, जो कि मेरे होम टाउन से ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर दूर. आई वेंट ओवर देयर ऑलमोस्ट 1 ईयर अगो, मैं वहाँ पर लगभग एक साल पहले गया. एट दैट टाइम माई कज़न केम फ्रॉम कैनेडा, उस टाइम पर मेरा कज़न आया था कैनेडा से टू स्पेंड विंटर वेकेशन विद अस, हमारे साथ विंटर वेकेशन को स्पेंड करने के लिए. एंड ही ऑलवेज हैज़ अ थ्रस्ट फॉर एडवेंचर, विच मीन्स कि हमेशा ही उसके अंदर उत्सुकता रहती है नई नई जगह पर जाकर एडवेंचरस थिंग्स करने की. सो ही इंसिस्टेड अस टू गो एनी न्यू प्लेस. एंड वैन वी वर सर्चिंग अबाउट अ न्यू प्लेस, इसीलिए उसने हमको फोर्स किया किसी नई जगह पर जाने के लिए. और जब हम लोग सर्च कर रहे थे न्यू प्लेस के बारे में, देन मोनूमेंट बिलोंगिंग टू द पीरियड ऑफ मुगल किंगडम कैच आवर आइज. तो उस टाइम पर जो मोनूमेंट्स थे जो रिलेटेड थे, ताजमहल जो था जो रिलेटेड था मुगल किंगडम के साथ, उसने हमारी आइज को कैच किया, मतलब हमको अपनी ओर अट्रैक्ट किया. सो वी विजिटेड देयर, इसीलिए हम वहाँ पर गए. एंड इट टुक अस 14 आवर्स एंड वी रीच्ड देयर एट नाइट. इस चीज़ को हमको, मतलब वहाँ पर पहुँचने के लिए 14 आवर्स लगे. एंड वी रीच्ड देयर, और इसके बाद जब हम वहाँ पर पहुँचे देयर एट नाइट, हम वहाँ पर रात को पहुँचे. एंड वी स्टेड एट ताज होटल, इसीलिए हम ताज होटल में ठहरे. दैट इज़ अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम द ताजमहल, जो कि थोड़ी ही डिस्टेंस तक था ताजमहल से. नेक्स्ट डे वी वेंट टू सी द ताजमहल, और अगले दिन हम ताजमहल को देखने के लिए गए. फर्स्टली वी टुक द टिकट्स, पहले हमने टिकट्स लिए. एंड वी एंटर्ड फ्रॉम द ह्यूज गेट, हमने बड़े से गेट से एंटर किया. देयर वर ऑलमोस्ट 20 फाउंटेन्स इन द फ्रंट ऑफ द ताजमहल, तो ताजमहल के फ्रंट में ऑलमोस्ट 20 फाउंटेन्स थे. एंड वी हायर्ड अ गाइड टू लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ताजमहल, हमने गाइड को हायर किया सो दैट हम पता लगा सके कि हिस्ट्री क्या है ताजमहल की. ही शोड अस द टॉम्स ऑफ मुमताज़ महल एंड शाहजहाँ एंड टोल्ड अस द हिस्ट्री दैट, उसने हमको दिखाई कब्रें जो थी मुमताज़ महल की और शाहजहाँ की. एंड हमको बताया दैट ताजमहल वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर, कि ताजमहल को किसके द्वारा बनाया गया, मुगल एम्परर के द्वारा. उसका नेम था शाहजहाँ, इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज़ महल, किसकी याद में, अपनी जो वाइफ थी जिसको वो प्यार करता था, मुमताज़ महल की याद में. आई वॉज अस्टोनिश्ड टू सी द ब्यूटीफुल वाइट मार्बल बिल्डिंग, और मैं क्या हैरान हो गया देखकर कि इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी वो वाइट संगमरमर की बनी हुई बिल्डिंग. आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ बिल्डिंग इन माई लाइफ बिफोर, और मैंने कभी भी वहाँ पर जाने से पहले, बिफोर विजिटिंग टू दिस प्लेस, उस प्लेस पर विजिट करने से पहले, ऐसी बिल्डिंग, इतनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी. इट वॉज ऑन द, आई वॉज ऑन द क्लाउड 9 उस टाइम पर. मैं क्लाउड 9 मीन्स एन आइडियो विच मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, उस टाइम पर मैं बड़ा खुश हो गया. बिकॉज वी इंजॉयड अ लॉट ओवर देयर, हमने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया. ताजमहल इज सराउंडेड बाई लश पर्शियन गार्डन्स विच इन्हांस द ब्यूटी ऑफ इट, ताजमहल की सराउंडिंग में चारों ओर ग्रीन कलर के पर्शियन जो
जो है गार्डन है जो कि उसकी ब्यूटी को और बढ़ाते हैं। वी क्लिक्ड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स इन द फ्रंट ऑफ ताजमहल, हमने काफ़ी ज़्यादा पिक्स क्लिक की ताजमहल के सामने। ऑल इन ऑल दिस वॉज द टाइम वन आई विजिटेड अ न्यू प्लेस, यही टाइम था जब मैं एक न्यू प्लेस में विजिट किया, जब मैंने हमने ऑल द क्वेश्चन जो क्यूज थे वो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। सो द फॉलो अप क्वेश्चन आर, वट मेजर शुड बी टेकन टू डील विद डैमेज ऑन पब्लिक फैसिलिटी, कौन सी मेजर्स अपनाने चाहिए डील करने के लिए जो डैमेज होता है पब्लिक फैसिलिटी पर उसको डील करने के लिए। सो द आंसर इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ एवरी वन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर, ये हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ध्यान रखें। इफ़ गवर्नमेंट इज़ गिविंग अस एनी काइंड ऑफ फैसिलिटीज़, अगर गवर्नमेंट हमको कोई फैसिलिटीज़ दे रही है तो उसका ध्यान रखना हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपार्ट फ्रॉम इट इसके अलावा गवर्नमेंट शुड इम्पोज सम टैक्सेज, गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेज लगाने चाहिए। एंड पनिशमेंट should be given to those persons, और उन लोगों को पनिशमेंट देनी चाहिए who try to damage the public facilities, जो कोशिश कर रहे हैं खराब करने की पब्लिक फैसिलिटी को। सो द सेकेंड क्वेश्चन इज वट आर द डिफरेंसेज बिटवीन ओल्ड फैसिलिटीज एंड न्यू फैसिलिटीज, ओल्ड फैसिलिटीज़ में और नई फैसिलिटीज़ में क्या अंतर है। सो द आंसर इज इन द ओल्ड टाइम देयर वर लेस फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड टू द ह्यूमन बींग्स, पुराने टाइम में कम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी ह्यूमन बींग्स को। देयर वर ओनली पार्क्स एंड लाइब्रेरीज वर अवेलेबल टू एंटरटेन देमसेल्व्स, तब क्या जस्ट पार्क्स थे और लाइब्रेरीज ही थी एंटरटेनमेंट के लिए। बट नाउ वट इज़ अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ आर देयर, मगर अब क्या है काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं इन द फील्ड ऑफ हेल्थ में, एजुकेशन में और एंटरटेनमेंट के फील्ड में। सो द थर्ड क्वेश्चन इज़ वट फैसिलिटीज़ डू यंग पीपल एंड ओल्ड पीपल लाइक इन यूर कंट्री, आपकी कंट्री में जो यंग लोग हैं और जो ओल्ड लोग हैं कौन सी फैसिलिटीज़ को लाइक करते हैं। सो द आंसर इज़ यंग पीपल मोस्टली लाइक जिम्स एंड सिनेमाज एंड अदर लेजर प्लेसेस, और क्या है जिम्स को पसंद करते हैं, सिनेमाज को पसंद करते हैं और बाकी जो फ्री टाइम स्पेंड करने वाली प्लेसेस हैं उसको यंग लोग पसंद करते हैं। वाइल ओल्ड पीपल लाइक पार्क्स लाइब्रेरीज एंड स्पिरिचुअल प्लेसेस, जो कि ओल्ड लोग हैं वो पार्क्स और लाइब्रेरीज और स्पिरिचुअल प्लेसेस को पसंद करते हैं। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज विच डू यू प्रेफर लिविंग इन अ सिटी और विजिटिंग इट एज अ टूरिस्ट, आपको क्या पसंद है किसी सिटी में रहना जो वहाँ पर एज अ टूरिस्ट जाना। सो द आंसर इज आई वुड लाइक टू लिव इन अ सिटी वेयर आई कैन गेट ऑल द फैसिलिटीज सच एज मेडिकल एंटरटेनमेंट एजुकेशन एक्सेट्रा, तो मैं एक ऐसी सिटी में रहना पसंद करूँगी जहाँ पर मुझे सभी फैसिलिटीज मिल सके सच एज मेडिकल और एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, वेयर एज इसके अलावा आई वुड लाइक टू गो एज अ टूरिस्ट इन अ सिटी, मैं ऐसी सिटी में एज अ टूरिस्ट जाना पसंद करूँगी विच इज़ रियली फेमस फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो कि टूरिस्ट को काफ़ी अट्रैक्ट करती होगी अपने और। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ हाउ डू यंग चिल्ड्रन रिएक्ट व्हेन दे गो टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम, जो यंग चिल्ड्रन है जब वो पहली बार स्कूल में जाते हैं तो वो कैसा रिएक्ट करते हैं। आंसर आई थिंक दे फील नर्वस, मुझे लगता है वो नर्वस फील करते हैं बिकॉज दे आर नॉट फेमिलियर विद द प्लेस, क्योंकि वो फेमिलियर नहीं होते प्लेस के साथ एंड दे डोंट नो वट इज़ गोइंग टू हैपन विद दैम, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि क्या होने वाला उनके साथ। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन cry because they don't want to leave the company of their parents, ज़्यादातर बच्चे इसलिए रोते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स की कंपनी मतलब अपने पेरेंट्स की कंपनी को छोड़ना नहीं चाहते। एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन हाउ डू यंग एंड ओल्ड पीपल रिएक्ट डिफरेंटली टू न्यू थिंग्स, कैसे जो यंग लोग हैं और जो ओल्ड लोग हैं वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं नई थिंग्स को लेकर। सो द आंसर इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स यंग पीपल आर मटीरियलिस्टिक आर ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंकिंग, ज़्यादातर जो यंग लोग होते हैं वो मटीरियलिस्टिक थिंकिंग के होते हैं, मतलब मटीरियल्स के बारे में जब उनको कोई चीज़ मिलती तो अच्छा लगता है, ऐसी थिंकिंग है उनकी। एंड दे फील इन सेवंथ हेवन व्हेन दे गॉट एनीथिंग, और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पीनेस फील करते हैं जब उनको कोई नई चीज़ मिलती है। वेयर एज ओल्ड पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट इन देयर लाइफ, मगर ओल्ड लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस किया होता है अपनी लाइफ में। एंड गेटिंग अ न्यू थिंग डोंट पुट एनी इम्पैक्ट ऑन देम, और कोई नई चीज़ लेना या कोई नई चीज़ मिलना उन पर इम्पैक्ट नहीं डालता। एंड द सेवंथ क्वेश्चन वाई डू सम पीपल वॉन्ट टू गो टू कॉलेज फॉर फार अवे फ्रॉम होम, घर से ज़्यादा दूर कॉलेज में क्यों जाना पसंद करते हैं कुछ लोग, क्यों जाना चाहते हैं वॉन्ट टू। एंड द आंसर इज़ बिकॉज दे वॉन्ट टू लिव इंडिपेंडेंट लाइफ एंड हैव फ्रीडम, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट लाइफ स्पेंड करना चाहते, किसी पर डिपेंड नहीं करना चाहते एंड हैव फ्रीडम, फ्रीडम लेना चाहते, स्वतंत्रता के साथ रहना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा दे ऑल्सो वॉन्ट टू हैव अ न्यू एक्सपीरियंस, वो एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं लाइफ का। सम टाइम्स अ स्टूडेंट कैन नॉट गेट द कोर्स दैट दे वॉन्ट टू डू नियर देयर होम टाउन, कई बार बच्चे वो कोर्स ही नहीं ले पाते जो वो करना चाहते हैं अपने घर के पास, सो दे हैव टू गो फार अवे कॉलेजेस, सो इसीलिए उनको फार अवे कॉलेजेस में जाना पड़ता है। इट्स द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन एंड आई होप यू लाइक माई आइडियाज एंड एक्सप्लेनेशन, एंड इफ सो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।